अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों में इजाफा मुसलसल जारी, मुतासरीन में 501 नए मरीजों का इजाफा, 200 मजीद मरीजों की मौत के साथ ही मुलाकात की तादाद 2005 तक पहुँच गए। मुतासरीन का हिंसो 1,32,439 पार कर गए। शफायाब का सिलसिला भी जारी, मजीद 140 मरीज सहतियाब। पुलवामा के बैत मुगल रोड शोपियां के नजदीक जंगलात में मुसल्ला तसादुम आराई, इब्तदाई फायरिंग के बैत खामोशी छाए गए, पूरे जंगलात में ऑपरेशन जारी। इधर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर गुलाम नबी मुंगा ने जिला बारामूला के इलाके नारवाव का तफसील दौरा किया और लोगों के साथ मुलाकात की। कश्मीर प्रेस सर्विस नुमाइंदे के मुताबिक दौरे के दौरान लीडर मसूद ने इलाके में लोगों का दरपेश मसाइल का गौर जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने मसूद के साथ मुलाकात की और अपने मसाइल इन तक पहुँचाई। इस मौके पर मसूद ने लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा कि वो मुतलका अफसरान और इंतजामिया को इन मसाइल से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हर सतह पर आवाम के मसाइल को हल कराने के लिए अहले हुकाम तक रसाई लेंगे और इन पर जोर देंगे कि वो तलशा की बुनियादों पर लोगों के मसाइल हल किए जाए। नुमाइंदे के मुताबिक दर्जनों देहात के दौरे के इख्तिताम के बाद मौसूफ लीडर ने अपने साथियों के हमरा गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए इमाम खतीब जामिया मस्जिद उमर की चामा मौलवी नज़ीर अहमद शाह के घर गए और पसमंदगान की दाइश बताई और नवाकी बिलखसूस बशीर अहमद शाह के साथ ताज़ियत की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जवाहिर रहमत में जगह अता करे। बताया जाता है कि मौसूफ लीडर ने ताज़ियत के अलावा बशीर अहमद शाह के साथ सियासी गुफ्तगू भी की। बाद अज़ां मौसूफ ने अपने आबाई गांव ज़ैनपुरा बुनियार गया जहां उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की और इनके मसाइल सुनने और इनको यकीन दिलाया कि वो मुतलका हुक्म तक इनके मसाइल को पूछा कर हल तलाश करेंगे। पूरा पुलवामा में झड़प के बाद पुरतशदीद मुजाहिरों का मामला पुलिस ने वीडियोग्राफी के जरिए पहचान करके 10 अफराद को किया गिरफ्तार, दिगर की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर आला फारूक अब्दुल्ला को कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपने वालिद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। श्रीनगर हाईकोर्ट में तैनात 5 पुलिस एहलकार कोरोना मस्बत। शुमाली कश्मीर के सोपोर में हुकाम ने सनीचर को एक स्कूल को हफ्ते के लिए बंद करने के अहकाम सादर किए। ये अहकाम मौजूदा स्कूल में तैनात 3 उसातिज़ा के कोरोना मस्बत ज़ाहिर होने के बाद सादर किए गए हैं। पाकिस्तानी इलाके से गलती से सड़क पार करके एक 6 साल मासूम बच्चा बातचीत हदूद में दाखिल हुआ जिसको तैनात बीएसएफ अधिकारियों को खाना खिलाकर वापस पाकिस्तान भेज दिया। जबकि भारत के इसी इलाके का एक लड़का पाकिस्तान की जेल में गुज़श्ता 6 माह से बंद है जिसने गलती से सरहद पार की थी। बडगाम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई, भारी मकदार में इस्लाई गोला बारूद जब्त कर लिया गया, तहकीकात शुरू।
मस्जिद नबी में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आई। कोरोना वबा के फैलाव के पास माह रमजान के दौरान 15 साल तक की उम्र के बच्चे मस्जिद नबी में दाखिल हो सकेंगे। वजीर आजम मोदी तकरीर के दौरान बीजेपी का एक कारकुन तौर पर पानी न मिलने की वजह से बेहोश हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तबी टीम इलाज के लिए भेज दी। कुपवारा लोला के मुख्तलिफ इलाकों में मौसूलात का नक्स निजाम, कई इलाकों में इंटरनेट सुविधा न होने के बराबर सार्फीन परेशान। हुकूक इंसानी के आलमी ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 में दुनिया भर में सजाए मौत की तादाद में 37% कमी देखने में आई है। वादी के शुमार जिलों में मंशात के खिलाफ मुहिम तेज, 5 मंशात पुरुष गिरफ्तार, नशीली मादा बरामद। जनूबी जिला शुपियां के इमाम साहब इलाके में मुश्तबा अफराद की जानिब से जम्मू कश्मीर बैंक कार से बड़ा बोर राइफल उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दिए गए। जी आपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत।